नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड वाला टॉपिक है, वो है पुलअप्स। जो आर्मी में आपको चिनअप्स मराया जाता है, जिसको बीम बोलते हैं, उसको आप किस तरह से ठीक करें, उसको आप किस तरह से इम्प्रूव करें। अगर आपसे एक भी बीम नहीं लगता तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि अगर आप इसको जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से करते हो तो मात्र 20 से 25 दिन में आपसे 10 बीम लगने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे ये बात कर लेते हैं कि आपने जो आर्मी का एलिजिबिलिटी फॉर्म जो होता है उसमें देखा होगा वो लिखते हैं पुलअप्स, लेकिन जो ऐसे मराया था उनको बोला था चिनअप्स। तो क्या जो आर्मी वाले लिखते हैं वो गलत है? जी गलत नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि पुलअप्स क्या होता है। पुलअप्स का मतलब पुल मतलब खींचना और अप्स का मतलब ऊपर। ठीक है, तो पुलअप के अंदर आता है चिनअप। जैसे आपको कोई बोल दिया रनिंग करो, ठीक है, रनिंग करना तो है, लेकिन कोई बोल दिया तेज रनिंग करो, तो रनिंग के अंदर आया तेज रनिंग, उसी तरह हो गया पुलअप्स के अंदर आया चिनअप्स। ठीक है, तो जो पुलअप्स लिखते हैं वो गलत नहीं लिखते, उसको पुलअप्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर पूरे साइंटिफिक वे में बोला जाएगा तो उसको बोला जाएगा चिनअप। ठीक है, चिनअप का मतलब क्या होता है? ये होता है चिन और अप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में ऐसे ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपका काम करेगा, और मैं ऐसा एक्सरसाइज नहीं बताता हूं, आपको पता है मेरे चैनल पे, कि जो काम ना करता हो। ऐसे ही एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि रिलेट करता हो, जो कि आपका जिस मसल्स इसमें यूज़ होता है वही मसल्स में एक्सरसाइज जो बताऊंगा उसी में यूज़ होगा। ये वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपका फिजिकल में 40 नंबर पक्का बीम में, ये मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, लेकिन जो जो मैं बोलूँगा भाई वो करना पड़ेगा। और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप चिनअप लगाते हैं, ठीक है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और आप क्या क्या गलती करते हैं। अगर वो चीज़ नहीं देखिएगा तो ये सारे चीज़ सीख के भी आपका फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, वो चीज़ अगर फॉलो कीजिएगा तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चिनअप नहीं लगने का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है आपका अपर बॉडी का वीक होना। ठीक है, वो क्यों हो जाता है? जब आप रनिंग वगैरह करते रहते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह लेग की करते रहते हैं, लेकिन आप अपर बॉडी को छोड़ देते हैं। ठीक है, अपर बॉडी को अच्छे से ट्रेन नहीं करते, बहुत लोग तो पुशअप्स भी नहीं लगाते, जिनके कारण उनका अपर बॉडी वीक हो जाता है और अपने आप को खींच नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नीचे का बॉडी और ऊपर का बॉडी दोनों को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो चलिए, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा अपर बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए, और आपका चिनअप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आर्मी में आप फिजिकल आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है भाई, दोस्तों जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो है हाथ पे चलना। आप सारे एक्सरसाइज को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, तभी जाकर आपको 100% बेनिफिट मिल पाएगा। दोस्तों, हाथ से चलने पर आपको क्या होता है, आपके हाथ का ग्रिपिंग, आपके फोरआर्म, आपके बाइसेप्स, आपके ट्राइसेप्स, आपके शोल्डर, आपके पेट की मसल्स, आपका ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथन होता है, जिसके कारण आपको चिनअप लगाने में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इस एक्सरसाइज को आपको 30 मीटर का 4 बार करना है। और अगर आपका पैर पकड़ने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले प्रैक्टिस करते हो, कोई पार्टनर नहीं है, तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। उल्टा खड़ा होना, हाथ के बल दीवार का आप सपोर्ट ले सकते हो। इस एक्सरसाइज को आप 30 से 45 सेकेंड के आसपास कर सकते हो और बीच का रिकवरी 30 से 45 सेकेंड ही ले सकते हो। यह भी आपका अपर बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। दोस्तों, जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है ऑस्ट्रेलियन पुशअप्स। आपको देखिए, इसी तरह से पोस्चर रखना है, आपको अपने बैक को ऊपर या नीचे नहीं रखना है, सीधा स्ट्रेट रखना है और हाथ को पूरा खोलने की कोशिश करना है। इसको आपको 10 का 3 सेट लगाना है, और यह भी एक्सरसाइज आपका अपर बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और यह पुलअप्स इंक्रीज करने के लिए, चिनअप इंक्रीज करने के लिए बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। और अगर आपके ग्राउंड में पैरलर बार नहीं है तो आप बांस का खुद बना सकते हो, लकड़ी का खुद बना सकते हो, या किसी भी चीज का सपोर्ट ले सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बॉडी पोस्चर खराब ना हो, और इसमें आपको जाना तेज है और आना थोड़ा धीरे धीरे है। दोस्तों, जो अब आया तीसरा एक्सरसाइज वो है शोल्डर पुशअप्स। देखिए, आपको इसी तरह से करना है, आपको अपने बैक को ऊपर उठा लेना है और पुशअप्स लगाना है। आपको 10 रेपिटेशन लगाना है और उसके 3 या 4 सेट अपने क्षमता अनुसार आप लगा सकते हो। यह एक्सरसाइज आपके शोल्डर को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगा और आपके चिनअप, आपके पुलअप को इंक्रीज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, यह जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई, यह आपको पहले दिन करना है, और आगे जो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपको दूसरे दिन करना है, और इसी तरह आपको अल्टरनेट डेज, एक दिन यह तीनों, एक दिन वह दोनों, इसी तरह आपको करते रहना जब तक आपका पुलअप्स बहुत अच्छे से इंक्रीज ना हो जाए, चिनअप्स बहुत अच्छे से इंक्रीज ना हो जाए। और आपको सप्ताह में एक दिन का रेस्ट जरूर लेना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आपको पेन अगले दिन तक बहुत ज़्यादा रह जा रहा, तो आप एक दिन का रेस्ट करो, फिर एक दिन करो, फिर एक दिन रेस्ट करो, फिर एक दिन करो अल्टरनेट एक्सरसाइज। और रेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से वर्कआउट छोड़ दो, बस आपको उस दिन यह वर्कआउट नहीं करना है और आपका जो वर्कआउट चलता है वो चलते रहेगा। दोस्तों, अब जो हमारा चौथा एक्सरसाइज है जो कि आपको अगले दिन करना है वह है प्लैंक, और प्लैंक के साथ आपको करना है पुशअप्स, प्लैंक पुशअप्स।
ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से आपको प्लैंक करना है और आपको स्ट्रेट रखना है, आपको बैक को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। आपको इसी तरह स्ट्रेट करना है और उसके बाद आपको 30 सेकेंड हो जाने के बाद आपको पुशअप्स लगाना है, ये प्लैंक पुशअप्स देखिए इस तरह से, ठीक है। 5 बार आपको एक हाथ से उठना है और 5 बार आपको अगले हाथ से उठना है, टोटल हुआ 10 बार। इसका आपको लगाना है 3 सेट। यह भी एक्सरसाइज आपके अपर बॉडी के स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है, इसको भी अपने रूटीन में जरूर जोड़ें। दोस्तों जो अब 5वां एक्सरसाइज है वह खुद पुलअप्स और चिनअप्स। आपको पुलअप्स और चिनअप्स लगाते रहना है, एक दिन छोड़कर एक दिन। आपको अगर घर में टाइम मिलता है, आपके घर में छज्जा है, आप वहाँ पर लगाते रहो, ठीक है। आपसे 2 लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 2 लगाओ, फिर थोड़ा देर रुक जाओ, फिर 2 लगाओ, फिर थोड़ा देर रुक जाओ, फिर 2 लगाओ। अगर आपसे 5 लगता है तो आप 4 लगाओ, 5 लगाओ, रुक जाओ, ठीक है। आप 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद फिर लगाओ। इसी तरह करते करते ही आपका पुलअप्स इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप हार मान लोगे कि मुझसे बस 4 होता है, नहीं होगा उससे ज़्यादा, तो आपके कभी नहीं होगा, ठीक है। 4 होता है, उसको 4 करो, फिर थोड़ा देर बाद फिर कोशिश करो, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आने लगेगा। कुछ दिनों के अंदर ही आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने लगेगा। यह तो हो गई घर में, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये भी करना है। आपको क्या करना है कि जो चिनअप लगाते हैं तो आप चिनअप लगा के ऊपर में होल्ड करो और उसको बाद धीरे धीरे 10 काउंट करते करते नीचे आओ, ठीक है। इसको 3 से 4 बार करने की कोशिश करो और धीरे धीरे इसका सेट बढ़ाने की कोशिश करो, अगर पॉसिबल हो तो। लगे रहो पुलअप्स बार पे, ठीक है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी ऐसे कभी वैसे करते रहोगे तो ज़रूर अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा और आप आराम से करने लगोगे कुछ दिनों के बाद। और साथ में आप अपने दोस्तों का भी सपोर्ट लिया करो। दोस्तों का सपोर्ट 2 तरीक़े से लिया जा सकता है। पहला कि वह आपको मोटिवेट करेंगे। देखिए, आप ग्रुप में लगाने जाइए पुलअप्स, आप खुद मोटिवेट करोगे एक दूसरे को, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाओगे। और दूसरा आप तब ले सकते हो जब आपसे 4-5 रेपिटेशन लगता है और आप बहुत ज़्यादा कांपने लगते हो, तो उनका सपोर्ट ले सकते हो, या फिर उस समय आप रबड़ बैंड का भी उपयोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। लेकिन यह अगर आपसे 5-6 रेपिटेशन होने लगता है, तब फिर आप रबड़ का और दोस्तों का सपोर्ट ना लें, आप उसी को रेपिटेशन को बार बार करें, 5 की जगह 4 लगाएं और उसी को बार बार करें, यह खुद आपको बेनिफिट पहुंचाने लगेगा। तो दोस्तों यही थे कुछ एक्सरसाइज। देखिए, पुलअप्स और चिनअप्स को इम्प्रूव करने के लिए आपका हाथ का सबसे पहला चीज़ ग्रिपिंग अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपके कलाई में पावर होना चाहिए, तीसरा आपके फोर आर्म में पावर होना चाहिए, चौथा जो आपका शोल्डर का जॉइंट है, ठीक है, और शोल्डर की मसल्स है, उसमें आपका पावर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो आपका ये होता है मसल्स, लैटिसिमियस डोर्सी, और जो कोर पेट की मसल्स, अगर इसमें आपका पावर नहीं रहा तो आप पुलअप्स और चिनअप्स ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो साथ साथ ये सारे चीज़ को भी आपको ट्रेन करना, और मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताया, ये सारे एक्सरसाइज आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका ओवरऑल अपर के बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सब एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। और जो मैं आपको चलने वाला बताया, हाथ पे चलने वाला, वो एक्सरसाइज बेस्ट है आपका पुलअप्स और चिनअप्स को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और ये सारे एक्सरसाइज आपको कब करना है, जब आप रनिंग वगैरह कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद ये सारे एक्सरसाइज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब आप भर्ती में जाते हो तो आपको 1600 मीटर मरवाने के बाद यही किया जाता है, थके रहते हो। अगर यहाँ आप 10 मार के जाते हो, वहाँ बोलते हो मुझसे नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप वहाँ पर थके रहते हो। यहाँ पर भी आपको वही हैबिट डालना, आपको वर्कआउट के बाद ये सब चीज़ करना, और ये चीज़ आपको हमेशा बैठा लेना दिमाग में कि जब आप ग्राउंड से निकलते हो अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो आप चिनअप्स लगा के निकला करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा आदत रहेगा, आपको कहीं भी कोई भी सिचुएशन में बोला जाए तो आप 10 आराम से मार पाओगे। तो ये चीज़ आपको समझना, और आपको घर में जब टाइम मिले आप लगाते रहो, ठीक है। ऐसा बना लो अपने आप को कि आँख बंद करके कहीं भी कोई भी सिचुएशन में बोले 10 बोले 10 करो, आपके पीछे ईंट बांधे एक, उसमें बोले 10 तो आप 10 कर लो, ठीक है। ये एक दिन में आपका नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा अगर आप लगे रहोगे। अगर आप सोचते हो मुझसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई मेरे, क्यों नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होता था पहले, मेरा 6-7 में बस हो जाता था, लेकिन अब मैं 18-20 पुलअप्स लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ? क्योंकि करते रहता हूँ। आपको भी करते ही रहना पड़ेगा। एक लगता कोई बात नहीं, लगे रहो वहाँ, लटक के लगे रहो, ठीक है भाई। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि आप चिनअप लगाने में क्या क्या गलतियाँ करते हो जो कि आपको नहीं करना। अगर ये चीज़ आप नहीं करोगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला बात आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप लटकोगे तो आप अपने उंगलियों का गैप बहुत ज़्यादा ना रखें, आप इकट्ठे रखें, तभी आप इकट्ठे पावर लगा पाओगे। दूसरा बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपना हाथ शोल्डर लेवल के पास रखना है, ना बहुत ज़्यादा बाहर रखना है, ना बहुत ज़्यादा अंदर रखना है, शोल्डर लेवल के पास बेस्ट रहेगा। तीसरा टिप्स है वह यह है कि जब आप ऊपर जाओगे तो आपको सांस लेते हुए जाना है, और जब नीचे आओगे तो छोड़ते हुए आना है।
चौथा बात जो आपको ध्यान रखना हुआ यह है कि आपको पैर मोड़कर नहीं लगाना। अगर आप पैर मोड़कर लगाओगे तो आर्मी फिजिकल में रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और साथ साथ अगर आप अपना पैर बहुत हिलाते हो, पैर को आगे कर लेते हो या पीछे कर लेते हो, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट लगाते हो, या फिर आधा लगाते हो, या बहुत जल्दी जल्दी लगाते हो, तो उसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यह सही तरीका नहीं है चिन-अप्स और पुल-अप्स लगाने का, यह भी बात आपको अच्छे से समझना और ध्यान रखना है। पांचवा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको पुलअप्स और चिन-अप्स लगाते वक्त मन से हार नहीं मानना है। यह एक ऐसा एक्सरसाइज है, अगर आप ज़रा सा भी मन से कमज़ोर हो गए तो आपका हाथ वहीं पर छूट जाएगा। आपको मजबूती से लगे रहना है। तो दोस्तों यही थे कुछ एक्सरसाइज और टिप्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बस मुझे कमेंट बताना 25 दिन करके कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप ये भी बताएं कि मैं अगला किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं, ठीक है। तो एक बार एक्सरसाइज कीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।